हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन जोन बाय अंशिका। आज हम क्लास नाइन्थ की ऑन अ इधर आएगा और ये मैंने उल्टा लिख दिया है, ऑन किलिंग अ ट्री के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो एक्सप्लेनेशन था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में से आप लिंक ले सकते हैं। चलिए, ये जो पोएम है गीव पटेल ने लिखी है, जिनके बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दे दिया था। ये बहुत ही अच्छे एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और राइटर भी हैं, पोइट भी हैं। ये अपनी पोएम और राइट वर्क में काफ़ी यूज़ करते हैं ग्रीनरी का, ट्रीज़ का और एनवायरमेंट का। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री। क्या सिंपल एक जो जैब होता है यानी कि कट एक लगाना नाइफ से, क्या इतने में ही वो ट्री किल हो जाता है, मर जाता है? अगर नहीं तो वाई नॉट, क्यों नहीं वो मरता है? आंसर है इसका नो। अ सिंगल जैब ऑफ द नाइफ कैन नॉट किल अ ट्री। एक सिंपल कट जो होता है नाइफ से वो ट्री को नहीं मारता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर द ट्री इज कट विल गिव आउट सैप। सैप यानी छोटी सी ट्विग्स, टहनी निकलना शुरू हो जाएगी जहाँ से इस पेड़ को कट किया गया है। एंड वंस द वाउंड हील, वाउंड यानी कि घाव एक तरीके से वुंड हील कर जाएगा यानी कि सही हो जाएगा, न्यू ट्विग्स, न्यू जो छोटी छोटी सी जो ट्विक्स होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो उगनी शुरू हो जाएंगी। विल ग्रो फ्रॉम इट, उस हील हुई जगह से उगना शुरू हो जाएंगी, विच विल डेवलप इनटू ट्री, और आगे जाके वो एक क्या बन जाएगा, फुल ग्रोन ट्री बन जाएगा। इस तरीके से वो हील हुआ है, न कि किल हुआ है ट्री। क्वेश्चन नंबर टू है हमारा, हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज। जो ट्री है ना वो उगता है फुल साइज में कैसे, लिस्ट करो वर्ड्स को। पोएम में काफ़ी वर्ड्स आए हैं जिससे हमें पता चला है कि वो ट्री ग्रो कैसे हुआ है। आंसर है द ट्रीज हैज़ ग्रोन बाय कंज्यूमिंग मैनी थिंग्स फ्रॉम अर्थ। अर्थ से बहुत सारी चीज़ें वो कंज्यूम करता है, अब्जॉर्विंग सनलाइट, एयर एंड वाटर को अब्जॉर्ब यानी सोख लेता है। द वर्ड्स आर, वो वर्ड्स जो ट्रीज की लाइफ को बताते हैं वो हैं राइजिंग आउट ऑफ इट, राइजिंग आउट ऑफ इट यानी बाहर निकल आना, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट यानी कि फीड करना, खाना किसके ऊपर, क्रस्ट यानी अर्थ की परत के ऊपर वो जो कंज्यूम करता है, और अब्जॉर्ब करता है ईयर्स यानी सालों साल अब्जॉर्ब करता है वो सनलाइट, एयर एंड वाटर। ये वर्ड बताते हैं कि वो इस तरीके से ट्री पूरा फुल ग्रोन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क। ये जो ब्लीडिंग बार्क वर्ड आया था ना, ब्लीडिंग बार्क, इसका मतलब क्या है, व्हाट मेक इट ब्लीड। ये जो ब्लीड करना यानी कि एक तरीके से खून बहना, वो किस कारण से होता है ये भी बताना है हमें। आंसर देखते हैं हम। आंसर है हमारा, ब्लीडिंग बार्क मीन द लिक्विड सब्सटेंस। एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जो फ्लो आउट निकलता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ द कट कॉल सैप। जहाँ से पेड़ को काटा जाता है ना, उसमें से थोड़ा सा लिक्विड निकलता है, तो उस लिक्विड को ब्लीडिंग बार्क बोला गया है। बार्क जो होता है, बार्क यानी तना, उसके ऊपर ही तो हम मार करते हैं, चोट लगाते हैं पेड़ को काटते वक्त, तो उस समय वहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड सब्सटेंस यानी तरल पदार्थ निकलता है। और जैब, जहाँ पे कट किया गया है, मेक इट ब्लीड। जैब जो होता है, कट जो होता है, वो मेक इट ब्लीड, और उसी से उसको खून आने लगता है। एक तरीके से जो ब्लीड होता है, उस वर्ड को जो गीलापन निकलता है, उसे ब्लीड बोला गया है। जस्ट लाइक ऑफ अ पर्सन गेट अ कट, जिस तरीके से कोई पर्सन, इंसान को कट लगता है तो वो ब्लीड करता है ना, फ्रॉम दैट प्लेस, उस प्लेस से जहाँ पे उसको कट लगा है, जैसे पैर में अगर चोट है तो वहाँ से वो ब्लीड करता है, तो उसी तरीके से ब्लीडिंग बार्क यानी ज़्यादातर लोग तने से ही पेड़ को काट देते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा, द पोएट सेज नो इन द थर्ड स्टांजा। मैंने आपको बताया था ना, थर्ड स्टांजा में सिर्फ अकेला लिखा है नो, व्हाट डज ही मीन बाय दिस, वो उससे क्या बताना चाहता है उस नो वर्ड से। राइटर बताना चाहता है, नो मीन्स दैट द ट्री विल नॉट डाई बाय कटिंग और चॉपिंग द ट्रंक। ट्रंक यानी बार्क, हम यहाँ पे लिख सकते हैं बार्क, जो तना होता है पेड़ का, उसको कट करने से ट्री नहीं मरेगा, ये बताता है नो। क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। दो वर्ड हैं, एंकरिंग अर्थ और दूसरा है अर्थ केव, इससे आप क्या समझते हैं ये हमें बताना है। एंकरिंग अर्थ मीन्स दैट द अर्थ सपोर्ट द ट्री फर्मली। एंकरिंग, एंकरिंग एक तरीके से ना पकड़ के रखना, जैसे नाव जो होती है ना उसमें हम एंकर डालते हैं, यानी कि जहाज, बड़े बड़े से जहाज होते हैं ना, तो उनको रोकने के लिए भारी सा एंकर नीचे डाला जाता है जिससे वो रुक जाए, तो उसी तरीके से अर्थ जो है वो सपोर्ट करती है ट्री को फर्मली यानी अच्छी तरीके से पकड़ के, एंकर करके, ठीक है।
आगे है अर्थ केव का मतलब क्या है, रेफर्स टू द डीपनेस ऑफ अर्थ। केव तो गहराई को ही हमेशा बताती है ना, तो डीपनेस है किसकी, अर्थ की। वेयर द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड्स इट, जहाँ पे रूट जो है वो बांधे रखती हैं किसको, ट्री को। ट्री बाइंड यानी ट्री को बांधे रखती हैं फॉर्मली यानी अच्छी तरीके से अर्थ में, वो कहलाता है अर्थ केव। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वॉट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ ट्री एक्सपोज। राइटर जो है वो इस पर इससे क्या समझता है कि स्ट्रेंथ जो ताकत है ट्रीज की वो एक्सपोज हो गई है, वो कब बोला था उसने, आइए देखते हैं। आंसर है हमारा, द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज मीन दैट अपॉन बीइंग अपरूटेड, अपरूटेड यानी जड़ से हटा देना एक तरीके से पेड़ को, वो कहलाता है। और वो जो अपरूट कर देना यानी उठा लेना अपनी जगह से, द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है वो और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्री का, होता है ना। रूट्स जो होती हैं वो सेंसिटिव पार्ट भी होती हैं कि अगर रूट को हम काट देंगे तो वो कुछ बचेगा ही नहीं ना ट्री, और इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है वो, विल बी नो लॉन्गर रिमेन, अगर वो एक्सपोज हो जाए रूट्स तो पेड़ कुछ बचेगा ही नहीं, हिडन इन अर्थ। जो रूट्स जो होती हैं छिपी हुई होती हैं अर्थ में, अगर उनको हम निकाल दें और उनको अगर हार्म करें तो फिर वो पार्ट रहेगा ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट फाइनली किल अ ट्री, असलियत में ट्री को कौन मारता है, मतलब असलियत में मरता कैसे है ट्री। आंसर है, द ट्री डाइज, ट्री मर जाता है व्हेन इट इज़ अपरूटेड, जब जड़ों से हम उसे हटा देते हैं तो वो मर जाता है। व्हेन इट इज़ डिटैच यानी अलग हो जाना किससे, फ्रॉम द अर्थ, जमीन से जब जड़ें जो होती हैं ना, रूट्स जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं तो वो पेड़ क्या होता है, विदर्ड यानी टूट जाता है, हार्डन यानी कठोर हो जाता है, एंड फाइनली डाइज, और लास्ट में वो क्या होता है, मर जाता है। इस तरीके से सॉल्यूशंस तो हमने देख लिए, अब हम चैप्टर की समरी देखेंगे। द पोएम ऑन किलिंग अ ट्री रेजेज अवेयरनेस अमंग द रीडर्स रिगार्डिंग ट्रीज एंड ह्यूमन लाइफ। जो ये पोएम है किलिंग अ ट्री रेज करती है यानी उठाती है, अवेयरनेस यानी जागरूकता को बताती है अमंग द रीडर्स, जो हम पढ़ रहे हैं ना पोएम, हम रीडर्स हैं तो हमारे में ये क्या करती है, अवेयरनेस जगाती है कि जो ह्यूमन लाइफ और ट्रीज जो होते हैं ना वो कैसे होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं। द पोएट सेज, पोएट कहता है, इट टेक्स मच टाइम टू किल समवन एंटायरली, एंटायरली यानी पूरी तरीके से, बहुत टाइम लगता है अगर किसी को आपको मारना है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। अ सिंपल कट या कोई भी सिंपल इंसिडेंट यानी घटना डज नॉट डिस्ट्रॉय अ पर्सन और अ ट्री, एक ट्री या एक पर्सन को एक सिंपल सा जो घटना होती है हमारे साथ में या कोई कट लगता है वो हमें डिस्ट्रॉय यानी तबाह नहीं कर सकता है। एवरीथिंग एंड एवरीवन ग्रोज विद द लॉट ऑफ थिंग्स अब्जॉर्ब, हर कोई और हर एक वन यानी ईच वन ऑफ देम अब्जॉर्ब करता है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम लिविंग बींग्स जो होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं हर चीज़ को, है ना। नेचर हैज़ एबिलिटी टू रिकवर इट्सेल्फ एंड जस्ट लाइक दैट एवरी ह्यूमन बींग कैन हील। जो नेचर जो होती है ना, पर्यावरण जो होता है वो हील करता है, इतनी एबिलिटी होती है उसमें कि वो रिकवर कर लेता है, अपने आप को वापस से बना लेता है। एंड जस्ट लाइक, जैसे कि हर ह्यूमन जो होता है ना, ईच ह्यूमन बींग्स कैन हील ओवर, और हर एक ह्यूमन जो है हील कर जाता है ओवर द टाइम, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हर ह्यूमन हील कर जाता है आने वाले टाइम में। Everybody has their hidden treasure, हर एक के पास अपना छुपा हुआ खजाना होता है, just in case of trees, trees के cases में देखें तो उसका खजाना क्या था, छुपा हुआ roots था जिसके द्वारा वो जिंदा रह रहे थे। Everything takes much time to die, कोई भी चीज़ मरने में बहुत टाइम लेती है, इस एक चीज़ को ऐसे ही नहीं मार सकते हैं। Conclusion है यानी कि result हम क्या बोल सकते हैं, निष्कर्ष, it can be concluded that living beings are not easy to kill by easily, यानी कि कोई ह्यूमन बींग्स होते हैं ना उनको, लिविंग बींग्स जो होते हैं, ह्यूमन नहीं बोल सकते, लिविंग बींग्स जो होते हैं वो क्या होता है कि ईजी नहीं होता उनको मारना। सो बी स्ट्रांग, इसलिए स्ट्रांग बनो और टेक टाइम टू हील, और टाइम लो अपना हील कर जाने में, हील यानी सुधार, रिकवर कर जाने में, है ना। सो हमारा पोएम का पूरा समरी पूरा होता है आपका, और इस तरीके से हमने सॉल्यूशंस कंप्लीट कर लिए हैं पोएम ऑन किलिंग अ ट्री के। आई होप आप लोगों को पूरी पोएम समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।